सो गाइस, काफ़ी टाइम के बाद हम लोग आ गए हैं दोबारा से K25 कंप्यूटर्स में। एंड आज की वीडियो में भी अगेन हम लोग ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस को कवर करने वाले हैं। और लगभग काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 20-30 दिन हो चुके हैं यहाँ पे वीडियो बनाए, तो इतने टाइम के अंदर क्या डिफरेंस आया वो अभी हम लोग रजत भैया से पूछने वाले हैं। तो रजत भैया, इस टाइम पर क्या चल रहा है मार्केट में, क्या सीन चल रहा है अभी? अभी फिलहाल ये सीन है कि कुछ ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस नॉर्मल हैं, डाउन है, और कुछ ग्राफिक कार्ड्स में जिनमें अवेलेबिलिटी नहीं है उनमें थोड़ा सा फिर से प्राइस का इंक्रीज आया। अच्छा, मतलब कुछ ग्राफिक कार्ड जो है वो थोड़ा रेट बढ़ भी गया और कुछ का कम भी हुआ है जी। अच्छा, तो किस टाइप के ग्राफिक कार्ड है जिनका रेट बढ़ा है और कौन से वाले हैं जिनका रेट घटा है? जैसे अभी जो है 3060 Ti एंड 3070, ये दोनों कार्ड जो है अभी थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो इनका भी प्राइस थोड़ा, इन दोनों में ही थोड़ा सा मेरे को क्या बोलते हैं अभी प्राइस इंक्रीज देखने को मिला है। बाकी कार्ड में प्राइस दोनों में सब में सेम है। ठीक है, बाकी सही है। ठीक है, तो रजत भैया सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस बता दीजिए ताकि अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा हो तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे आने में। सो, हमारा एड्रेस है 402-403 दोहिल चैम्बर, 46 नंबर बिल्डिंग, जो आपका सत्यम सिनेमा है नेहरू प्लेस में आइनॉक्स, उसके बिल्कुल बैक साइड में हमारी पहली बिल्डिंग है, उसमें 4th फ्लोर पर हमारा ऑफिस है। ठीक है, और वैसे रजत भैया की एक वेबसाइट भी है और जो फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और बाकी मैं यहाँ पे कुछ अमेज़ॉन के लिंक्स भी दे दूंगा, तो अगर आपको मतलब कंपेयर करना है ऑनलाइन से यहाँ के प्राइसेस को तो वो भी आप लोग कर सकते हो। अच्छा रजत भाई, ये और बताइए कि अभी स्टॉक कैसा चल रहा है, मतलब कौन से ग्राफिक कार्ड हैं जो अच्छे खासे बल्क में आ रहे हैं अभी और कौन से ऐसे हैं जिनकी थोड़ी शॉर्टेज है अभी भी? अगर हम बात करें नॉर्मल जो बेसिक कार्ड्स आ रहे हैं आपके, जो GTX सीरीज़ है या फिर RTX सीरीज़ के भी बेसिक कार्ड है, वो सारे तो उनकी तो अवेलेबिलिटी अभी ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा हाई एंड में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब हल्की सी शॉर्टेज है। हाँ। अच्छा रजत भाई, बहुत से लोग अभी भी मतलब थोड़ा वेट कर रहे हैं कि जब MSRP पे कार्ड आ जाएंगे हम अपना बिल्ड तब करेंगे, तो MSRP पे कब तक आ सकते हैं, कुछ आइडिया? जिन मतलब जो लोग अभी वेट कर रहे हैं कार्ड को MSRP पे आने का, हाँ आप लोग वेट करिए, आपको मतलब मिल सकता है थोड़े टाइम में देखने को, बट हाँ श्योरिटी नहीं है कि वो वापस MSRP पे आएंगे या फिर से प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी कुछ कह नहीं सकते। वैसे इस टाइम माइनिंग कैसी चल रही है, मतलब चल रही है ढंग से या फिर अभी हल्की ही हो गई है वो भी मार्केट की तरह? जी, तो अगर हम माइनिंग के तरफ अगर आप बात करेंगे तो माइनिंग जो लोग कर रहे हैं, जो प्रोफेशनली माइनिंग कर रहे हैं, वो लोग अभी भी माइनिंग कर रहे हैं, बट जिन्होंने एज अ मतलब टाइम पास के लिए चूज़ किया था माइनिंग स्टार्ट करना, उन लोगों के सेटअप्स बंद हो चुके हैं, मतलब उन लोगों ने तो बंद ही कर दिया है। ठीक है, वैसे अभी ज़्यादा बूम पे नहीं है माइनिंग, बोल सकते हैं, क्योंकि अब जो भी आपके माइनर्स बचे हैं वो सीरियस माइनर्स हैं, जो कि मतलब उनको जो लॉन्ग टर्म के लिए करना है, मतलब लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं अभी भी। ठीक है, तो वैसे अभी जो प्राइसेस हैं हम लोग वो कवर कर लेते हैं, तो सबसे बेसिक कार्ड से स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे बेसिक कार्ड की बात करें तो सबसे बेसिक में आपको मिल जाएगा आसूस का GT 710। जी, ये आपको मिल जाएगा 4300 रुपीज़ का, 2GB। हाँ जी, 2GB का है DDR5 मेमोरी के साथ। ठीक। सो सेकंड कार्ड है हमारे पास GigaByte का 2GB का DDR3 में 730, और ये वाला जो है कार्ड आपको ये 4200 रुपीज़ का मिल जाएगा। 4200 रुपीज़ का जी। ठीक है, तो वैसे ये तो डिस्प्ले कार्ड है, गेमिंग वगैरह ज्यादा कुछ होती नहीं है, लाइट गेमिंग करना तो कर सकते हैं जी, उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद? देन इसके बाद जो है नेक्स्ट कार्ड जो आता है वो है हमारा GT 730, 4GB का कार्ड जो आता है, वो वाला कार्ड जो है आपको 6000 रुपीज का वो मिल जाएगा। 6000 रुपीज का, ठीक है। और उसके बाद 1030 आता है? 1030 आता है, 1030 में मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट कार्ड वो आपको मिल जाएगा 1050 Ti। 1050 Ti जी। तो नेक्स्ट कार्ड जो है ये है आपका 1050 Ti, GigaByte की तरफ से, 4GB का DDR5 में है, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपको मिल जाएगी 19500 रुपये की। 19500, अभी भी 19500 इसका रेट? अच्छा, जब हमने लास्ट टाइम इसका रेट देखा था तब भी लगभग इतना ही था, 20-25 दिन पहले भी 19500 के आसपास, अभी भी यही रेट है, तो इसका रेट अभी कम नहीं हो रहा है क्या? नहीं, इसमें अभी कोई प्राइस ड्रॉप और नहीं देखने को मिला। ठीक है, मतलब ये वाले कार्ड अभी वैसे ही हैं जी। 1050 Ti और 1650 की अगर बात करोगे तो इनमें अभी कोई और प्राइस ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट 1650 ही आता है, क्या रेट है उसका? तो 1650 जो है वो GigaByte में मिल जाएगा आपको, यह आपका GigaByte का 1650, 4GB OC एडिशन मिल जाएगा, ओवरक्लॉकेबल है, और ये 22000 रुपये का आपको कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इसका भी रेट वही है, 22000 ही है जी। ओके, नेक्स्ट आता है इसके बाद में अपना 1660 जी। तो नेक्स्ट कार्ड जो है हमारा 1660, आपका गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है, इसमें 1080p और उससे ऊपर के लेवल की भी गेमिंग आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं, तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपको मिल जाएगी 30000 रुपीज़ की GigaByte में। 30000 रुपीज़ की, ठीक है। एंड इसके बाद में 1660 सुपर? हाँ, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 1660 सुपर, तो नेक्स्ट हमारे पास 1660 सुपर GigaByte का, ये आपको डुअल फैन के साथ मिल जाएगा, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपको मिल जाएगी 32500 की। 32500 1660 सुपर जी। और Ti का क्या रेट होगा?
टी आई भी आपको सेम रेट पे मिल जाएगा, 1660 सुपर एंड टी आई आपको दोनों सेम रेट पे मिल जाएगी। ठीक है, एंड इसके बाद में 2060 अवेलेबल होगा? अभी 2060 में मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, अगर आपको हाँ 2060 सुपर चाहिए तो वो मिल जाएगा। ठीक है, कितने का है वो? 2060 सुपर में आपको जो कार्ड है गीगाबाइट का मिल जाएगा ये डुअल फैन में, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपको मिल जाएगी 53,000 रुपीज़ की। 53 जी। ठीक है, और 3050 का क्या हाल चल रहा है अभी? अगर आप 3050 की बात करेंगे तो आपको ट्रिपल फैन एडिशन मिल जाएगा मेरे पास, गीगाबाइट का गेमिंग ओसी है, ट्रिपल फैन एडिशन, आरजीबी वगैरह देखने को मिल जाएगी ट्रिपल फैन के साथ है, तो ये कार्ड जो है वो आपको मिल जाएगा 36,000 रुपीज़ का। 36,000 का। ओके, नेक्स्ट आता है अपना RTX 3060। जी, सो नेक्स्ट हमारे पास RTX 3060 गीगाबाइट में जी, तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपको मिल जाएगी 41,000 रुपीज़ की। 41,000। ट्रिपल फैन एडिशन है गेमिंग ओसी, और ये वाला जो कार्ड है ये आपको मिल जाएगा 55,000 रुपीस का। 55,000 रुपीस का 3060 Ti ट्रिपल फैन में। अच्छा, अगर किसी को थोड़ा और कम प्राइस में चाहिए, वो कलरफुल या कोई और ब्रांड ले सकता है, हाँ। तो क्या रेट होगा उसका? इसी में अगर आपको डुअल फैन चाहिए तो डुअल फैन आपको 52,500 का मिल जाएगा। 52,500 गीगाबाइट होगा ना वो तो। और अगर कलरफुल में ले ट्रिपल फैन? कलरफुल में अभी मेरे पास खत्म है, कलरफुल में अगर किसी को चाहिए तो अराउंड 48,000 to 50,000 के बीच में मिल जाएगा, मतलब उसका कम रेट होता है, गीगाबाइट का थोड़ा ज्यादा ही होता है। ठीक है, एंड इसके बाद में है 3060 Ti ऑरस वाला भी। ऑरस इलीट, इसमें आपको 4 इयर्स की वारंटी भी मिल जाती है, और अगर आपको RGB वगैरह थोड़ी पसंद है तो इसमें RGB भी आपको देखने को मिल जाएगी फैंस में। ठीक है, तो इसका क्या रेट होने वाला है? तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपको मिल जाएगी 62,500 रुपीज़ की। 62,500 ये ऑरस इलीट वाला है। जी ठीक है, एंड इसके बाद में आता है RTX 3070। जी, तो RTX 3070 में आपको जो है वो मिल जाएगा मेरे पास ऑरस मास्टर। सो नेक्स्ट है अपना ऑरस की तरफ से 3070 ऑरस मास्टर, इसमें आपको बैक साइड में LCD डिस्प्ले वगैरह मिल जाएगी और RGB वगैरह भी है काफ़ी सारी। सो जो लोग अपना RGB PC बिल्ड कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है। ठीक है, सो ये वाला जो कार्ड है वो आपको मिल जाएगा 72,000 रुपीज़ का। 72,000 रुपीज़ का। नॉर्मली अगर आप दूसरा कोई मतलब गीगाबाइट में जैसे गेमिंग ओसी मॉडल वगैरह आता है वो आपको 65,000 तक का भी मिल जाएगा, ये जो है आपका 3070 में काफ़ी हाई एंड वाला कार्ड है इसलिए थोड़ा रेट ज़्यादा है। इसलिए थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, अगर हम लोग RTX 3070 में कलरफुल या फिर इनो 3D जोटेक वगैरह लेते हैं तो क्या रेट होता है उसका? वो अराउंड आपको 63,000 या 62,000 रुपीज़ तक वो भी मिल जाएंगे, 63-62 के आसपास। ठीक है, तो गीगाबाइट का वही है थोड़ा रेट ज़्यादा। एंड इसके बाद में है 3070 Ti। सो नेक्स्ट हमारे पास 3070 Ti गेमिंग ओसी, इसमें भी आपको 4 इयर्स की वारंटी मिल जाती है, 3 इयर्स की आती है नॉर्मली और 1 ईयर आपको मिल जाएगी गीगाबाइट की साइट पे रजिस्टर करने पे। ठीक है जी, तो ये भी आपका ट्रिपल फैन मॉडल है, RGB वगैरह इसमें भी देखने को मिल जाएगी, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपको मिल जाएगी 73,500 की। 73,500। ठीक है, एंड इसके बाद में है 3080। सो नेक्स्ट कार्ड है 3080 गेमिंग ओसी, और उसकी जो कॉस्टिंग है ट्रिपल फैन में आपको मिल जाएगा 95,000 रुपीज़ का। 95,000 का। एंड इसके बाद 3080 Ti। जी, तो 3080 Ti में जो है वो आपको मिल जाएगा 3080 Ti विजन एडिशन है, ये आपको पूरा वाइट कलर में मिल जाता है, जो वाइट PC बना रहे हैं पूरा अपना वो लोग इस कार्ड को प्रेफर कर सकते हैं, और ये वाला जो कार्ड है ये मिल जाएगा आपको 1,36,000 का। 1,36,000 में। ठीक है, एंड इसके बाद में आता है 3090। सो नेक्स्ट है हमारे पास ASUS का ROG Strix 3090, इसमें आपको काफ़ी सारी RGB वगैरह देखने को मिल जाती है एंड ऑरा सिंक इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 24 GB का ग्राफिक कार्ड है, आपका 8K गेमिंग करवा सकता है आराम से, जिनको बहुत ही अच्छे लेवल पे गेमिंग करनी है, और 2 लाख रुपये का ग्राफिक कार्ड है। 2 लाख रुपये का ही अभी भी। ठीक है, अच्छा वैसे ये तो ROG Strix है, थोड़ा हल्के में लेना चाहें 3090 क्या रेट होता है? इससे हल्के में लेंगे आप तो इसमें नॉर्मल कार्ड जो है आपके 1,90,000 रुपीज़ तक में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एंड इसके बाद में कुछ क्वाड्रो कार्ड्स हैं अभी आपके पास? क्वाड्रो में भी मिल जाएंगे, क्वाड्रो में मेरे पास फिलहाल अभी T400 मिल जाएगा 4 GB में। ठीक है, क्या रेट है इसका? ये वाला जो है कार्ड आपको मिल जाएगा 14,500 रुपये का। 14,500, लास्ट टाइम से 1,000 रुपये बढ़ गए इसमें। जी ठीक है, बाकी आपको A5000 मिल जाएगा। A5000 जी, ये भी 24 GB का ग्राफिक कार्ड है और ये आपको मिल जाएगा 1,80,000 रुपीज़ का। 1,80,000। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको मिल जाएगा RTX A4000।
ठीक है, नेक्स्ट है अपना RTX A4000 जी। सो ये है आपका 16GB का ग्राफिक कार्ड है और इसके इसकी जो कॉस्ट, ये आपका मतलब ब्लोअर एडिशन है और इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपको मिल जाएगी 80,000 रुपीज़ की। 80,000 रुपीज़ की, ठीक है। एंड और कोई है क्वाड्रो में? वो T600 भी आता है एक। T600 तो काफ़ी टाइम से अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। T1000 भी नहीं है? हाँ, T1000 भी नहीं। ठीक है, तो अभी उनके जगह पे T400 ही है, 4GB वाला। हाँ ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ AMD के कार्ड्स के भी बारे में। तो AMD में कहाँ से रेंज स्टार्ट हो रही है अभी? AMD में आपका सबसे बेसिक में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ 6500 XT 4GB ग्राफिक कार्ड। सो 4GB ग्राफिक कार्ड है, आपको डुअल फैन में मिल जाएगा 21,500 रुपये का। 21,500 का। और इसी में अगर आप ट्रिपल फैन पे जाते हैं तो आपको मिल जाएगा 24,000 रुपये का। 24,000 रुपये का, ठीक है। तो ये हो गया 6500 XT। इसके बाद आता है 6600। सो नेक्स्ट है आपका गीगाबाइट का 6600। सो ये वाला कार्ड जो है वो आपको मिल जाएगा 38,000 रुपीज़ का। 38,000 जी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास गीगाबाइट का ही 6600 XT। ये आपका गेमिंग OC प्रो एडिशन। सो ये वाला ग्राफिक कार्ड जो है वो आपको मिल जाएगा 38,000 रुपीज़ का। 38,000 का 6600 XT, ठीक है। 8GB का है ना ये भी? जी, तो 6800 XT में आपको गेमिंग OC मॉडल मिल जाएगा और उसकी जो कॉस्टिंग है वो आपको मिल जाएगी 1,00,000 रुपये की। 1,00,000 रुपये की, वो भी आपका 16GB ग्राफिक कार्ड है, आपका 4K गेमिंग था उसमें आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और एक 6900 XT भी आता है। सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो आपका 6900 XT। 6900 XT में जो है आपको कॉस्टिंग मिल जाएगी 1,10,000 रुपये की। 1,10,000 रुपये जी, 16GB का ग्राफिक कार्ड है और 4K गेमिंग आपकी आराम से करवा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हमने जितने कार्ड थे वो सारे कवर कर लिए। अगर इनकेस इसमें कुछ रह गया है तो आप लोग भैया को कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर है, एड्रेस भी है अगर आप लोग यहाँ विजिट करना चाहते हो। एंड बाकी वेबसाइट भी है, तो वेबसाइट पे भी जाके आप लोग प्राइसेस को चेकआउट कर सकते हो। एंड वैसे यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ग्राफिक कार्ड ही नहीं, यहाँ पे आपको मदरबोर्ड, CPU, बाकी जितने भी पेरिफेरल्स होते हैं और जितने भी PC कंपोनेंट्स होते हैं सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट या कोई मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, कुछ भी इंक्वायरी करनी है आप लोग भैया से कर सकते हो। तो थैंक यू भैया वीडियो बनवाने के लिए।